जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल स्टडी हेल्थ। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का पार्ट थर्ड देखने वाले हैं, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेवेंट लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, 60 न्यूक्लियोटाइड का एक जीन खालिस्तान अमीनो अम्ल की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए कूटबद्ध कोड करेगा। तो राइट आंसर होगा 200। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं क्या है। हमसे पूछा है दोस्तों यहाँ पर, ओकासाकी ने आनुवंशिकी में इसकी समझ हेतु अपना योगदान दिया, डीएनए की प्रतिकृति हेतु। हमसे पूछा है अवयवी श्वसन का श्वसन भाग होता है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर इन्फिनिटी। हमसे पूछा है क्या, अभिभवित कोश को एकबीजपत्री मूल गोप में को संगलित करता है निम्न द्वारा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर मूलांकन चोल। नेक्स्ट हमसे पूछा है यहाँ पे, पैन के विकास हेतु तो सबसे सही कारण चुने, जो कि एंजियोस्पर्म में युग्मनज के से विकास को आगे ले जाता है। तो राइट आंसर होगा भ्रूण पोष के लिए पोषण सुनिश्चित करना। अगला है क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के मादक पेय पदार्थ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीव द्वारा अल्कोहल किण्वन मुख्य रूप से निम्न पर आधारित है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, आश्वासन, केवल पोषक मादक प्रकार इत्यादि। प्रोथेलस एक स्वतंत्र युग्म उद्भिद है जो इसमें देखा जाता है, तो आपका टेरिडोफाइट्स में। बीज और कली निष्क्रियता के संबंध में किस हार्मोन्स के लिए एबीए प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है, राइट आंसर है जिब्रेलिन। निम्न समस्या के समाधान के लिए सुनहरे चावल को बीटा कैरोटीन का उत्पादन करने हेतु आनुवंशिक रूप से संशोधित किया, तो अंधापन और अकाल मृत्यु। मादा युग्म कोद्भिद की कौन सी कोशिका भ्रूण पोष जननी कोशिका मदर सेल के रूप में कार्य करती है, तो केंद्रीय कोशिका। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई नहीं है, आपका स्थिरीकरण। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन बेस डीएनए और मौजूद के लिए आरएनए में नहीं है, थायमिन। निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित चावल की एक संकर किस्म है, जया। निम्नलिखित में से कौन जलारंभी अनुक्रमण के दौरान अग्रणी जाति है, छोटे पादप लवक। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन नहीं है, एबीए। निम्नलिखित में से कौन सा फन भी सेलेजिनला के अलावा विषम द्विजाणुकता दिखाता है, तो सेलिबिया। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्मित है, तो प्रकाश आपका प्रसलक नारियल का भ्रूण। आपका कपास और कूट फसलें हैं, खरीफ। अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में एंजाइम पुनर्योगज की आवश्यकता होती है, तो आपका स्थूलपट या पैकाइटिन। ट्रेस तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनकी निम्न मात्रा में आवश्यकता होती है, 10 मिलीमोल किलोग्राम से कम। केंद्र में गुणसूत्र बिंदु के साथ गुणसूत्र का प्रकार है, तो मेटा सेंटेक या मेटा केंद्री। अचार बनाना या पिकलिंग खाद्य पदार्थों को निम्न में संरक्षित करने की एक प्रक्रिया है, केवल सिरका में। अलैंगिक प्रजनन का एक रूप जो लैंगिक प्रजनन का अनुकरण करता है, आपका असंग जनन। हिमकरणी या डिब्बाबंदी से पहले सब्जियों को ब्लीचिंग करने का उद्देश्य निम्न होता है, ऑल सभी हो जाएंगे, केवल उन एंजाइम को निष्क्रिय करना जो स्वाद, प्रकृति और रंग के नुकसान का कारण बनते हैं, केवल वनस्पति की सतह पर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और विटामिन की कमी को रोकने में मदद करना, और भी आपके जो सारे के सारे, केवल सब्जियों को नरम बनाने व उन्हें पैक करने में आसान करने के लिए। नेक्स्ट है, ग्राम अभिरंजक जीवाणु को निम्न के आधार पर ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक में पहचाना जाता है, तो आपका कोशिका भित्ति के कारण। क्षारक के युग्मों में सिस्टोन की न्यूनतम लंबाई जो 100 अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को संश्लेषित करती है, आंसर होगा 300। यदि एक पौधे के तने की एक कोशिका में 24 गुणसूत्र है, तब गुणसूत्रों की संख्या होगी, तो आपका युग्मकों में 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंगर और निकोलसन द्वारा दिए गए फ्लूट मोज़ेक मॉडल अवधारणा के बारे में गलत चुनी, तो दोस्तों आपका जो फ्लूट
फॉस्फेट वाला छोड़ देना, यहाँ पर आपके जो सारे के सारे सही हैं। लिपिड एवं द्वि परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं, एक द्वि परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं। प्रोटीन लिपिड के एक समुद्र में तैरते हैं। तरलता लिपिड द्वि परत के भीतर अणुओं की गति को संदर्भित करती है। नेक्स्ट, रूबिस्को दुनिया में सबसे प्रचुर एंजाइम है क्योंकि, इसका राइट आंसर होगा इसकी एक्टिव साइट CO2 और CO2 दोनों के साथ बंध सकती है और पत्तियों में पाई जाती है। आसन्न कोशिकाओं के बीच कोशिका द्रव्य जो कहलाते हैं प्रत्यय तंतु। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 31 हो, 30 हो गया वन। यहाँ पर तरल से भरा हुआ गुहा कोटर में पाया जाता है, तो आपका तृतीयक पोटर फॉलिकल में। एस्कॉर्बिक अम्ल को के रूप में जाना जाता है विटामिन सी। कैरोटीन से बनने वाली विटामिन का नाम बताइए, राइट आंसर होगा विटामिन ए। उस निर्मित वाहिनी का नाम बताइए जब पित्ताशयी वाहिनी यकृत वाहिनी के साथ जुड़ जाती है, तो मूल पित्त वाहिनी। आपका त्वक, शोथ, दस्त और मनोफरेंज निम्न की कमी के लक्षण हैं विटामिन B3 के। पेट और पाचन नात्र की संधि पर पाई जाने वाली वृत्ताकार मांसपेशियां निम्न होती हैं, जठर निर्मित अवरोधिनी। आपका पीत पिंड कार्पस ल्यूटिकल से निर्मित होता है। ग्राफियन पुटक, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष द्वारा उपयोग किया जाने वाला संतति नियमन विधि गर्भ निरोधक डिवाइस है, तो यहाँ पर कॉन्डोम। निम्नलिखित में से कौन सा बहिस्रावी स्राव है, तो लार। पारधीय तंत्रिका तंत्र में कोशिकाओं के द्रव्यमान को खाली स्थान कहा जाता है, आपका गैंग्लिया या फिर नाड़ी ग्रंथि। जनसंख्या में अधिकांश युवा आयु वर्ग के लोगों के होने का अर्थ है जन्म दर उच्च है। मादा में अंडोत्सर्ग का कारण निम्न को माना जाता है, उपरोक्त सभी, मतलब केवल अग्रपीयूषिका द्वारा FSH को रोकना और LHS स्त्राव को उत्तेजित करना, केवल लिकर पुटिक या पुटक के लवण सांद्रण में वृद्धि, केवल पराशरण दाब में वृद्धि और ग्राफी पुटक फॉली या फिर ग्राफियन फॉलिकल का टूटना, सभी। अंतः प्रजनन अवनमन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो बही संस्करण, आउटक्रॉसिंग। निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण तहत शामिल नहीं है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा जो वनस्पति उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन सी नियंडरथल मानव की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर उन्होंने गुफा कला को विकसित किया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सहायक किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियों के नामों की पहचान करने के लिए जानकारी प्रदान करता है, तो नियम पुस्तिका। जैव वर्गीकरण में पदानुक्रम का सही क्रम है, राइट आंसर जाएगा संघ, आप जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। एड्स वाले व्यक्ति में यह तंत्र विफल हो जाता है, प्रतिरक्षा। निम्नलिखित में से कौन से संबंधी बंधन संबंध है जो पाचन मार्ग को यकृत के बीच मौजूद होता हैप्टिक पोर्टल सिस्टम। क्रीडुचेट सिंड्रोम एक ऑटोसोमल आनुवंशिक विकार है जो निम्न के कारण होता है, विलोपन के कारण। वह उपकरण जो फुफ्फुसी प्रकार के नैदानिक आकलन में मदद करता है, स्पोरोमीटर। आपका ग्लियल कोशिकाओं में सबसे प्रचुर कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका तंत्र। के अलावा सरीसृपों में तीन कक्षीय हृदय होता है, आपका मगरमच्छ के अलावा। निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का इलाज नहीं है, आपका भौतिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी। मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर की उच्च दर दर्शाने वाली जनसंख्या दर्शाती है चर घनता की वृद्धि। जैल विद्युत कण संचलन के पश्चात पृथक हुए DNA खंडों को केवल खाली स्थान के पश्चात कल्पित किया जा सकता है, तो राइट आंसर आपका जाने वाला है यहाँ पर पराबैंगनी। प्रकाश के संपर्क में आने से चमकीले नारंगी रंग के बैंड के रूप में एथिडियम ब्रोमाइड में अभिरंजक द्वारा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका क्या जाता है, क्वेश्चन है 27। पूछा है एम्ब्रियोसेंटेसिस भ्रूण के लिंग की आनुवांशिक विसंगतियों और जैव रासायनिक
असमानताओं को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रसवपूर्व निदान परीक्षण पर आधारित होता है। तो राइट आंसर जाएगा आपका एमनियोटिक तरल में गुणसूत्र प्ररूप कैरियोटाइपिंग। पूछा है बहुबीजता के लिए फास्ट ब्लॉक निम्न के कारण होता है। तो आपका Na+ का अंतर्वाह और डिम्ब झिल्ली का विध्रुवण। चलिए नेक्स्ट है गोलापागोस द्वीप में डार्विन के फिंच खाली स्थान का उदाहरण है। तो आपका अनुकूल विकिरण। नेक्स्ट है कुछ एक वायरसों के लिए टीका लगाए गए व्यक्ति को खाली स्थान प्राप्त हो जाती है। कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। क्वेश्चन है क्या कोर्डन रज्जु की ध्रुवीयता पोलैरिटी होती है, कैसी होती है आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर 5 से 3 दिशा में, मतलब कि 5 से 3 की दिशा में जाएगा। नेक्स्ट है बोबल परिकल्पना क्या है। तो राइट आंसर होगा तीसरे बेस का आधा पतन। मॉर्फिन और कोडिन एक हॉल्यूसिनोजेनिक पादप से प्राप्त अर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा मॉर्फिन और कोडीन का एक स्रोत है। पोस्ता की खालिस्तान की उपस्थिति द्विबीजपत्री पौधों में तने को काष्ठीय बनाने के लिए उत्तरदायी है। खुला संवहनी बंडल जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए हीरोडीन के संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाने वाला पौधा है। आपका राइट आंसर होगा ब्रैसिका नेपस। एक जलीय खाद्य श्रृंखला में DDT के अधिकतम जैव आवर्धन का जैव आवर्धनीकरण को निम्न में देखा जा सकता है। मछली खाने वाला पक्षियों में आपका हरी फली वाले शुद्ध लंबे मटर के पौधे और पीली फली वाले बौने मटर के पौधे के बीच संकरण 16 में से कितने छोटे F2 पौधे उत्पादित करेगा। 4। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुक्रमण में लाइकेन को अग्रणी प्रजाति माना जाता है। आपका शुष्कातारम्भी। निम्नलिखित में से किस में कोई अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता। मटर में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्रस्त प्रभाविता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑक्सिन। सोगरिंग विधि द्वारा खाद्य संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपका चीनी नमी और संरचना को कम करने के लिए गैर आयनिक अदरक है। 100 परागकणों में देखे जाने वाले नर युग्मकों की संख्या होती 200। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में देखा जाने वाला अलैंगिक बीजाणु नहीं है। युग्माणु। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से पौधे स्तनधारी मादा प्रजनन अंगों को दर्शाता है। उपर्युक्त सभी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद उत्पादित होने वाला पहला स्थिर यौगिक है अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशन नहीं है। तो पादप कोशिकाओं में रिक्ति क्या है। क्रोमेटिन की रासायनिक संरचना है आपकी RNA हिस्टोन और गैर हिस्टोन और RNA। भ्रूण कोश की निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन एंजियोस्पर्म में भ्रूण निर्माण में भाग नहीं लेती। आपका प्रत्युध्रुवत एंटोपोल। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण tRNA के लिए सत्य नहीं है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो जिंदगी से स्टार्ट होता है इसको छोड़ देना, बाकी आपकी इसकी भूमिका एमिनो एसिड को mRNA कोडान में ले जाने की है, सही है। यह एल आकार में मोड़ा हुआ क्लोवर यानी तिपतिया के पत्ते जैसे आकार का होता है, सही है। और इसमें लगभग 60 प्रकार के tRNA होते हैं, सही है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अंगक एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह समानता दर्शाता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। पूछा है भोजन खराब होने के कारण है। उपर्युक्त सभी। केवल ब्राउनिंग और ब्रूजिंग केवल अवांछित रोगजनक सूक्ष्मजीवों का विकास केवल कीड़े और अनुभागों द्वारा संक्रमण। आपका हाइड्रोसिस की मुख्य विशेषता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑल सभी हो जाएगा, मतलब केवल सृष्टि विशिष्ट वातावरण में आपका पुनरुत्पादनीय है। केवल सृष्टि आनुवंशिक नियंत्रण के तहत होती है। आपका F1 उपज अनुकूलन गुणवत्ता और परिपक्वता के दोनों जनकों पर श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है। पूछा है क्या दी गई श्रृंखला में सर्प की स्थिति क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो सर्प है वो तृतीय उपभोक्ता होगा, तृतीय उपभोक्ता। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
अंतरावस्था केंद्रक में देखे जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं के ढीले अस्पष्ट नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पद क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्रोमेटिन। आपका सैकेराम बारबरी एवं सैकेराम ऑफसिनेराम इसकी विभिन्न किस्में हैं। गन्ना की वायरस विशेष रूप से होते हैं परजीवी। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? टाइफाइड विषाणु। समसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान टिंडल तंतु बनते हैं? मध्य अवस्था। नेक्स्ट आता है आपका, पूछा है एमआरएनए संश्लेषण के दौरान निम्न प्रक्रिया द्वारा अवांछित डीएनए खंडों को हटा दिया जाता है और अमीनो अम्लों के कूटन खंड जोड़ दिए जाते हैं? तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, संबंध सिप्लिंग या सप्लाइंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 30वां। पूछा है क्या, आपसे पूछा है वह प्रक्रिया इस नाम से जानी जाती है जिसमें कोशिका मूल शीर्षस्थ और प्ररोह शीर्षस्थ विभाजित ऊतक से प्राप्त होते हैं और कैम्बियन अपनी कोशिका भित्ति और जीवदत्त दोनों में कुछ बड़े संरचनात्मक परिवर्तन से होकर गुजरता है? आपका विशिष्टीकरण। पूछा गया है प्रथम 10 से 13 वर्ष की उम्र में विकास इसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो थायमोसिन से। आपका कर्ण पूर्व पैरोटिड अधोझम्ब आप सब मैक्सिलरी और अधोजिहा सब लिंगुअल ग्रंथियां निम्न में स्थित होती हैं। आपकी मुख गुहा में कोशिका जो कार में सुरक्षात्मक होती हैं और दो या अधिक परतों में पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है बहुस्तर उपकला कंपाउंड एपिथिलियम। आपका सामान्य श्वास के दौरान ली गई या छोड़ी गई वायु का आयतन है ज्वारीय आयतन। एड्स इसके द्वारा संक्रमित नहीं होता। आपका मच्छर का काटना। आमाशय की दीवार में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिका और रक्त वाहिकाएं होती हैं। तो राइट आंसर जाएगा उपश्लेष्म कला सब म्यूकोमा कोशा। नेक्स्ट है उस ग्रंथि का नाम बताइए जो आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण होती है। आपका आबटू या थायराइड। एक मांसपेशी जो बिल्कुल भी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देती उसे खाली स्थान की स्थिति में कहा जाता है। आपकी थकान या फाइटिंग। निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक के भाग के रूप में कार्य करता है? विटामिन। उंगली जैसी बहिर्गत भाग जिसे फिब्रिया कहते हैं तो में पाया जाता है कीप अप या कीप मार्ग में। आपका इनफंडिबुलम में मानव रक्त सम्मोहन खाली स्थान का एक उदाहरण है। आपका लक्षण कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाला 3 विकल्पीय एलील। हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन की पहचान करें। राइट आंसर है आलिंद नेट्यूरेटिक कारक। जीव जिन्होंने जिन्होंने सर्वप्रथम भूमि पर प्रवेश किया था वे हैं पौधे। मद चक्र एस्ट्रस साइकिल की अवस्था जिस पर फेरोसिन स्थापित होते हैं मद एस्ट्रस। भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर भयानक है इसे नियंत्रित करने का तरीका है? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रतिरक्षा सिद्धांत के अनुसार की कोशिकाओं की क्षति और विनाश के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षा में कमी आती है जिसके परिणाम स्वरूप अधिक रोग होते हैं थायमस। नेक्स्ट से आपसे पूछा है PBR322 में PST और PBU फर्स्ट स्थलों के मध्य एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन किया जाता है परिणामी प्लाज्मिड खालिस्तान प्रतिजैविक युक्त माध्यम में वृद्धि करने की क्षमता है? तो राइट आंसर है केवल टेट्रासाइक्लिन। आपका मासिक धर्म में 21 हार्मोन्स के कम होने से मासिक धर्म होता है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपका यहाँ पर राइट आंसर जाता है क्या, आपका राइट आंसर जाता है दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन। चलिए नेक्स्ट से आपका पूछा गया है किस समूह में प्रजनन की विधि केवल लैंगिक है? तो टेनोफोरा में। निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर कोशिकाओं की विशेषता नहीं है? कोशिकाएं एक विशेष स्त्री तक ही सीमित रहती हैं। आपका निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक गैर सामरिक एक्सीटू संरक्षण विधि है? तो आपका निम्न ताप परिरक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन। पूछा है निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य मीठे पानी की मछली है? तो कॉमन कॉर्प। एनीमेलिया के व्यापक वर्गीकरण के लिए कौन सी विशेषता आधार नहीं है? तो गमन लोकोमोशन। निम्नलिखित में से किसके शरीर में कोलेजन की सबसे अधिक मात्रा होती है? वयस्कों की। पूछा है हृदय के किस भाग में
कंडरा रज्जू पाया जाता है तो निलय में किसी बच्चे में एक ही समय पर प्रोटीन और कुछ भोजन कैलोरी मान की कमी होने पर एक बीमारी हो जाती है जिसे निम्न कहा जाता है, सूखा रोग। पूछा है विश्व बैंक रिपोर्ट 1988-95 के अनुसार मनुष्य की औसत जीवन अवधि है तो आपकी 60 से 4 वर्ष तक। आपसे पूछा गया है एक व्यक्ति जो रक्त प्लाज्मा प्रोटीन को आधान किया गया था जिसे एक ऐसे व्यक्ति में एकत्रित किया गया है जो विशिष्ट एंटीजन के खिलाफ सक्रिय रूप में प्रतिरक्षा करता है, इस मामले में व्यक्ति को प्राप्त होती है आपकी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। मनुष्य में खालिस्तान होने के कारण बानर से भिन्न होते हैं, भुजाओं की तुलना में लंबे पैर। आपकी त्रिपल नामकरण नामों को संदर्भित करता है, प्रजातियों के स्तर से नीचे वर्ग के लिए। क्वेश्चन है उस जीन का नाम बताइए जो जीन के एक सेट के लेंकन को बंद या चालू करने में शामिल होते हैं। तो राइट आंसर जाएगा आपका क्या, आपका जाएगा नियामक जीन, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, पूछता है क्या आनुवंशिक सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। राइट आंसर आपका यही है कि प्रतिकृति बनाने की क्षमता होनी चाहिए। आपका मिथाइलो बैक्टीरियम के द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरण प्लास्टिक है तो आपका पॉलीहाइड्रॉक्सी ब्यूटरेट। आपका क्राइथ्रिय जीन इनकोडिंग प्रोटीन नियंत्रित करते हैं तो राइट आंसर जाएगा आपका क्लोराडो आलू बीटल। पूछता है जीन ए और बी ए और सी एवं बी सी के बीच विनिमय आवृत्तियां क्रमशः 8, 15, 23 हैं, गुणसूत्रों पर जीन का संभावित अनुक्रम क्या है। आपका या तो बी सी बी ए सी या फिर सी ए बी। किस पौधे की पत्ती के अर्क को डेंगू बुखार के दौरान ब्लड प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के उपयुक्त के लिए माना जाता है, तो आपका पपीता। पूछा लीनियस द्वारा दिए गए द्विवर्गीकरण को वर्तमान में निम्न के कारण अपर्याप्त माना गया है, तो यहाँ पर ऑल जितने सारे दिए गए हैं इन सभी की कमी के कारण अपर्याप्त माना गया है। निम्नलिखित में से किस पौधे का पराग श्वसन संबंधी गंभीर समस्याओं के कारण रूप में जाना जाता है, तो आपका पॉर्थेनियम हो जाएगा। हार्मोन का सक्रियात्मक क्रियापद निम्न की स्थिति को संदर्भित करता है, तो राइट आंसर होगा जब एक हार्मोन एक से अधिक कार्य को प्रभावित करता है। पूछा है आपसे क्या, आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है संयोग को यहाँ पर राइट आंसर दे जाएगा आपका जब दो हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं और समान कार्य को संयोग करते हैं, इसका राइट आंसर जे होगा। चलिए हमसे पूछा है क्या होता है जब भोजन में सूक्ष्म जीव वृद्धि को रोकने हेतु निर्जलीकरण द्वारा नमी की मात्रा कम कर दी जाती है। तो दोस्तों भोजन में विलेय की सांद्रता बढ़ती है और जल की सांद्रता घटती है। इमर्सन प्रभाव निम्न से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पर क्या आपका है जब दो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की रोशनी एक साथ प्रदान की जाती है तब प्रकाश संश्लेषण की क्वांटमी लब्धि में वृद्धि। आपका विभाजक कोशिकाओं का एक विशेष लक्षण है, तो यहाँ पर रिक्तिकाहीन संघनन कोशिका द्रव्य। निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों की जोड़ी ने डीएनए प्रतिकृति की अर्ध रूढ़िवादी विधा को साबित किया, तो आपका मेसलसन और स्टॉल। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड। पूछा है ताजे फलों और सब्जियों में ऑक्सीडेटिव एंजाइम निम्न के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो आपका चयापचय करने हेतु। नेक्स्ट है ओमनिस सेलुला, ए सेलुला को इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो आपका बिरचाव के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्रों के 4 स्ट्रैंड दिखाई देते हैं, तो आपका स्थूल पट के दौरान। मादा युग्मक मैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक गुणसूत्रों की अगुणित संख्या नहीं रखता, तो बीजांड का और द्वितीयक केंद्रक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक एक प्राकृतिक फाइबर है, तो जूट और सिल्क। बैक्टीरिया में देखे जाने वाले प्रकार के लैंगिक प्रजनन को कहा जाता है सहयुग्मन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाशीय श्वसन के बारे में है, तो यहाँ पर C3 पौधों में क्रॉन्ज एनाटॉमी होती है। केवल डीएनए में 4,000 क्षारक युग्म हैं, उस डीएनए में कितने घुमावदार
या कुंडलियां होंगी तो यहाँ पर आप 10 से डिवाइड कर देना, 400 निकलेंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिसोसोम का कार्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण मिसोसोम का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंगक ईआर के साथ निकट संबंध में रहता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी का है। बीजांड, जिसमें विपरीत सिरों पर बीजांड द्वार और श्वेत रज्जु होते हैं, तो यहाँ पर प्रदीप बीजांड। एंजाइम जैव उत्प्रेरक है और बेजैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया एक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित नहीं होती? तो राइट आंसर जाएगा आपका क्या, पेप्टाइड आबंध का गठन। ओजोन परत की क्षय के लिए मानव जिम्मेदार है। ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जिम्मेदार नहीं है? तो अमोनिया नहीं है। डीएनए का स्ट्रैंड जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता, उसे खाली स्थान के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो आपका कोडिंग स्ट्रैंड। आपका राइबोसोम एक कोशिका में देखे जाने वाले 70 और 80 एस प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एस के संबंध में सही है? तो आपका राइट आंसर जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या एस केवल अपसादन गुणांक इकाई का प्रतीक है? यह केवल आकार का एक माप है, यह केवल घनत्व का माप है। पूछा है आपसे, पौधों में पीढ़ी के विकल्प में एक बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट, आपका गैमेटोफाइट और आपका दिया गया है क्या, नेस्ट दिया गया है दोस्तों आपका यहाँ पर स्पोरोफाइट के लिए गलत है, मतलब यह इसके विपरीत सात विकल्प ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणु युगत स्पोरोफाइट के लिए गलत है? तो आपका यह हमेशा स्वतंत्र और प्रकाश संश्लेषित होता है, गलत है। हमसे पूछा है, जल में कुछ विषैले प्रदूषक जैव आवर्धन को होकर गुजरते हैं, जिसका अर्थ है लगातार पोषण स्तरों पर प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि। अक्षीय कंकाल की हड्डियों की संख्या है, तो यहाँ पर 80 हो जाएगी। पूछा है, प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी 1990 में SCID विकार वाली एक लड़की को दी गई थी जो खालिस्तान हेतु को हटाने के लिए कारण बनती है? तो दोस्तों एडिनोसिन डोमिनोसिनसिस। नेक्स्ट है आपका, 8 से 16 कोरक खंड सहित भ्रूण होता है मोरूला में। पूछा है, किसी दिए गए भौगोलिक स्तर में विभिन्न प्रजातियों के विकास की प्रक्रियाओं को एक बिंदु के रूप में और अन्य आवासों को बदलने को खालिस्तान कहा जाता है? तो आपका अनुकूलित विकिरण। पूछा, मनुष्यों में अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां जो गर्भाशय में भ्रूण का शुष्कन से बचाव और सुरक्षा करती हैं, तो उल्ब। आपका टी लसिकाणु टी अक्षर निम्न को संदर्भित करता है, थाइमस को। जल संबंधी प्रणाली एक अनूठी विशेषता है जो इस संघ में पाई जाती है, आपका शूल चर्मी या इकाइनोडर्मेटा। उस परजीवी कृमि का नाम बताइए जो अंगों में धीरे धीरे विकसित होने वाली पुरानी सूजन का कारण बनता है, जिसमें कई वर्षों तक आमतौर पर निचले अंगों के लसिका वाहिकाओं में रहते हैं, बाउचेरिया। नेस्ट, जैविक नाम खालिस्तान भाषा में लिखे जाते हैं लैटिन। उपास्थियां खालिस्तान में पाई जाती हैं, तो उपास्थी में। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व प्रतिरक्षी रोग है? तो आपका बात ज्वर, रूमेटिंग फीवर। निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्मतम जीव है? तो आपका ताबा तत्व है, सूक्ष्मतम तत्व। निम्नलिखित बाहरी सीरम लाइनिंग या तरल अस्तर नहीं होता? ग्रास नली में। पूछा है, मेलाटोनिन हॉर्मोन्स ग्रंथि के द्वारा स्थापित होता है, तो पीनियल। की सामंजस्य क्षमता निम्न के कारण प्राप्त होती है, तो आपकी पक्षाम्य की पेशी या सिलियरी मांसपेशियों। यूरिक एसिड के संचयन के कारण जोड़ों की सूजन का कारण बनती है, तो आपका बात रोग, गाउट। निम्न के कारण लार में टाइलिन निष्क्रिय किया जाता है, तो आपका HCL। रामू पेशी ऊतक की स्लाइडों के प्रक्षेपित कर रहा था, उनमें उसने जो लक्षण देखा कि सीमित और बहुकेंद्री था, उन्होंने किस प्रकार की पेशी का प्रेक्षण किया? तो कंकाल पेशी। निस्यंदन स्लिट निम्न के द्वारा बोमन संपुट में बनते हैं, तो पादाणु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बायोवृद्धि के बारे में सही है?
तो यहाँ पर दोस्तों धमनियों और उपास्थियों की कैल्शियम में मात्रा वृद्धि। डाउन सिंड्रोम निम्न के कारण होता है। 18वें 21वें गुणसूत्री की ट्राइसोमी। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को मानव जैसा पहला प्राणी कहा जाता है? तो आपका होमो हैबिलिस। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कंडास्थि का एक उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर जाएगा नी कैप। पूछा है निम्नलिखित में से उपास्थिदार मछलियां की कौन सी विशेषताएं हड्डीदार मछलियों में अनुपस्थित होती हैं? तो आपका जरायुज। पूछा है क्लोनिंग वेक्टर की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है जो बद्ध व लिंक्ड डीएनए की प्रतिलिपि संख्या को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर होगा ओरी। पूछा गया है विकसित देशों की विशिष्ट जनसंख्या विशेषताएं हैं, तो राइट आंसर जाने वाला है आपका कम प्रजनन दर, उच्च प्रति व्यक्ति आय और बेहतर जीवन स्तर। मानव भ्रूण का वह हिस्सा जो आदिम आंत का प्रतिनिधित्व करता है। आद्यांत्र। उम्र बढ़ने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विज्ञान को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। शरीर में हृदय प्रणाली पर उनके प्रभाव के लिए जाने जाने वाली औषधियां हैं आपका कैनाबिनोइड। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा तीसरा टेस्ट भी लास्ट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, इसको लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।